मंगलवार को आयोजित पर्यावरण मंजूरी जनसुनवाई के दौरान प्रभाव क्षेत्र के तहत सभी गांवों ने सर्वसम्मति से प्रदूषित चंद्रपुर MIDC में डेस्टिनी मिनरल्स एंड मेटल प्राइवेट लिमिटेड की प्रस्तावित फेरो मिश्र धातु संयंत्र का विरोध किया। आसपास के गांवों के जनप्रतिनिधियों ने सुनवाई को आंखों में धूल झोंकने का आरोप लगाते हुए आरोप लगाया कि प्रभाव क्षेत्र की अधिकांश ग्राम पंचायतों को सुनवाई के बारे में बिल्कुल भी सूचित नहीं किया गया और इसे स्थगित करने की मांग की। डेस्टिनो मिनरल्स एंड मेटल प्राइवेट लिमिटेड ने यहां MIDC के 1.2 हेक्टेयर प्लांट में 12,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता का 1.5 जलमग्न चाप आधारित फेरो मिश्र धातु संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। दोपहर बाद प्लांट स्थल पर अनुविभागीय अधिकारी महादेव खेड़कर एवं महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी अशोक करे की देखरेख में प्लांट की पर्यावरण मंजूरी के लिए जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई के दौरान लगभग 50 जनप्रतिनिधि, पर्यावरणवादी और ग्रामीण उपस्थित थे, जिनमें से अधिकांश सुनवाई के बारे में जानने का कोशिश कर रहे थे। विनियमन के अनुसार डेस्टिनो मिनरल्स एंड मेटल प्राइवेट लिमिटेड को 1 महीने पहले उद्योग के प्रभाव क्षेत्र के तहत सभी नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों को नोटिस देने और उनकी जाँच के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता है, जबकि सिर्फ 2 ग्राम पंचायतों चीचला और पडोली को सुनवाई से 1 दिन पहले ही नोटिस प्राप्त हुए। बाकी आधा दर्जन ग्राम पंचायतों और प्रभाव क्षेत्र में आने वाले चंद्रपुर नगर निगम को भी सूचित नहीं किया गया। ऐसा जनसभा में कोसरा खोटाला के उप सरपंच रोशन राम टेके ने आरोप लगाया। कोसरा ग्राम पंचायत की सरपंच कृतिका नरूली ने MIDC में मौजूदा उद्योगों के कारण उनके गांव में होने वाले उच्च प्रदूषण का मुद्दा उठाया और दावा किया कि एक और फेरो मिश्र धातु संयंत्र केवल उनके संकट को बढ़ाएगा। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने हमारी ग्राम पंचायत को सुनवाई के बारे में बिल्कुल भी सूचित न करके हमें धोखा दिया है। भले ही हमारा गांव संयंत्र स्थल से आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, हम अपने ग्रामीणों के स्वास्थ्य की कीमत पर संयंत्र नहीं लगने देंगे। उन्होंने संयंत्र के प्रति अपना विरोध व्यक्त करते हुए कहा, दताला, चीचला और पडोली ग्राम पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों ने भी अपना विरोध व्यक्त किया और सभी ग्राम पंचायत और चंद्रपुर नगर निगम को सूचित करने और विश्वास में लेने तक पब्लिक हियरिंग को स्थगित करने और पुनर्निर्धारित करने की मांग की। संजीवनी पर्यावरण सामाजिक संस्था के अध्यक्ष राजेश बेले ने दावा किया कि लगभग 5 लाख लोगों की आबादी वाला चंद्रपुर शहर प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सर्वे सर्वा अशोक करे ने चंद्रपुर नगर निगम को जनसुनवाई की सूचना नहीं देकर शहर की पूरी आबादी के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया, गुपचुप तरीके से आधा दर्जन ग्राम पंचायतों और चंद्रपुर नगर निगम को अंधेरे में रखते हुए इसमें शामिल अधिकारियों की गुप्त मंशा के बारे में जनसुनवाई की। बेले सहित सभी ग्राम पंचायतों ने अपनी आपत्ति के साथ पत्र प्रस्तुत कर सुनवाई स्थगित करने की मांग की। SDO खेड़कर ने दावा किया कि अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो सुनवाई टाल दी जाएगी और दोबारा सुनवाई की जाएगी। 25 अप्रैल 2023 रोजी डेस्टिनी मिनरल मेटल प्राइवेट लिमिटेड या कंपनीची जनसुनवाई होती पर्यावरण। आज जनसुनवाई मध्ये आजूबाजूतील गावाला कुठल्याही प्रकारची नोटीस देण्यात नाही आले, सूचना देण्यात नाही आली, हे एक शोकांतिका आहे। प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत यांना सूचित करण्यात आला पाहिजे होतं। 10 किलोमीटरच्या दायऱ्यामध्ये ही कंपनी होऊन राहिलेली आहे। त्या 10 किलोमीटरच्या दायऱ्यामध्ये जे पण कार्यालय येतात, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका यांना सूचना देण्यात येण्याचे नियमामध्ये लिहिलेलं आहे। हे न होता हे जनसुनवाई डेस्टिनो मिनरल या कंपनीच्या दबावाखालील प्रशासकीय कुठेतरी उच्चमुखी झालेला आहे आणि त्यांनी कुठल्याही प्रकारची नोटीस नाही दिलेली आहे। म्हणून हे जनसुनवाई पुन्हा डबल घेण्यात यावी, हे संपूर्ण ग्रामपंचायती आणि संजीवनी पर्यावरण सामाजिक संस्थेची मागणी आहे। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ यांनी नियमाला डावलून जनसुनवाई घेतलेली आहे, त्यामुळे कंपनीची कुठेतरी दबाव यंत्रणा असल्यामुळे हे जनसुनवाई होऊन राहिलेली आहे, हे तत्काळ रद्द करण्यात यावी। मी ऑलरेडी सांगितलं की सगळे प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लावणार, सगळ्या काही व्यवस्था करणार, प्रदूषण होणार नाही याची काळजी घेणार, लँड पोल्युशन होणार नाही, वॉटर पोल्युशन होणार नाही, एअर पोल्युशन होणार नाही, तर पुन्हा आणखी काय करू शकतो? आणि स्थानिक लोकांना रोजगार देणार 40 लोकांना, हे खूप छोटा प्रकल्प आहे हो, 40 लोक मॅक्सिमम त्यामध्ये रोजगार मिळेल आणि तो स्थानिक लोकांना देणार। एवढं आमच्याकडून एवढं सगळं असताना जर कोणी विरोध करत असेल, त्यांचा काहीतरी वैयक्तिक हेतू असेल त्यामध्ये, म्हणून ते विरोध करतात। ते नोटीस प्रकल्पधारक कधीच नोटीस पाठवत नसतो। ही जनसुनावणी जी आहे ते महाराष्ट्र पोल्युशन कंट्रोल बोर्डने ऑर्गनाईज केलेली आहे, तर आपण त्यांच्याशी संपर्क करू।
चंद्रपुर से MIDC से सुनील तायडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।